नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेना में भर्ती से पहले होगा वफादारी टेस्ट। नियुक्ति के पूर्व ये परखा जाएगा कि जवान देश की सेवा के लिए आ रहे हैं या महज रोजगार या पैसा कमाने के लिए। खगड़िया और नवगछिया की सीमावर्ती इलाकों पर स्थित दियारा में अपराधियों के खिलाफ चलाया जाएगा सघन अभियान। प्रदेश में शराबबंदी से बेरोजगार लोगों को 60,000 से 1,00,000 रुपए तक की सहायता देगी राज्य सरकार। और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में आज बिहार का मुकाबला मुंबई से। केंद्र सरकार सेना में बहाली की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी कर रही है। अभ्यर्थियों को अब भर्ती से पहले वफादारी टेस्ट देना होगा। इससे ये परखा जाएगा कि सेना में बहाल होने वाले अभ्यर्थी देश की सेवा के लिए आ रहे हैं या महज रोजगार और पैसा कमाने के लिए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सभी बलों में भर्ती होने वाले जवानों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। हाल ही में वायुसेना में जवानों की भर्ती के लिए इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। अगले चरण में थल सेना और नौसेना में भर्ती के नियमों में आवश्यक बदलाव कर इस प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। खगड़िया और नवगछिया की सीमावर्ती इलाकों पर स्थित दियारा में अपराधियों के खिलाफ विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय संजीव कुमार सिंघल ने पटना में बताया कि सीमावर्ती दियारा में अपराधियों के सफाये तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सलारपुर मौजमा दियारा में सर्च ऑपरेशन के लिए 2 QRT, SDF की 3 चीता फोर्स और 5 DSP की तैनाती कर दी गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर और बोधगया की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने गया में कहा कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। श्री कुमार ने मंदिर क्षेत्र में ई रिक्शा का परिचालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार शराबबंदी से बेरोजगार लोगों को 60,000 से 1,00,000 रुपए तक की सहायता देगी। बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसके लिए बेरोजगार युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ऐसे बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेन में सफर करने के दौरान छेड़छाड़, सामान चोरी, लूट, जहरखुरानी जैसी घटनाओं की शिकायत अब मोबाइल ऐप पर की जा सकेगी। शिकायत को 0 FIR में तब्दील कर RPF तुरंत मामले की जांच शुरू कर सकेगी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि मोबाइल ऐप बनकर तैयार है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर RPF और GRP संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। ऐप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगा होगा। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के लिए स्कूल और कॉलेजों में 1 से 8 नवंबर तक सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस संबंध में सभी इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों को निर्देश भेज दिया गया है। नियमित और स्वतंत्र दोनों कोटि के परीक्षार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। उधर बिहार बोर्ड ने कहा है कि DLED कोर्स के परीक्षार्थियों के लिए 20 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पथ निर्माण विभाग ने लगभग 5500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट हाईवे और जिला सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत की 349 योजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़कों के निर्माण का काम CRF, नाबार्ड और राज्य योजना मद से किया जाएगा। विभाग के फेज 2 एक्शन प्लान के तहत स्वीकृत सड़कों में अधिकतर सड़कों की का DPR तैयार है। इन सड़कों के निर्माण के लिए विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। एक्शन प्लान में अधिकांश जिला सड़कों को शामिल किया गया है। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में आज बेंगलुरु में बिहार की भिड़ंत मुंबई से होगी। 17 साल बाद BCCI के किसी मुख्य टूर्नामेंट में बिहार की टीम खेल रही है।
गौरतलब है कि प्लेट ग्रुप के लीग मुकाबले में बिहार ने लगातार 7 जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी है। बक्सर के ब्रह्मपुर में आज से 43वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने बताया कि इस टूर्नामेंट में पूर्व मध्य रेल सहित 38 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। पटना में खेली जा रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार की मिश्रित युगल जोड़ी सिद्धार्थ भूषण और आकांक्षा पांडे ने 21-10, 10-21, 21-10 से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात तितली का प्रभाव प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तापमान में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 1-2 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इधर चक्रवात के असर के कारण आज भी सुबह में लोगों को ठंडक महसूस हुई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सम्मेलन आज पटना में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सृजन घोटाले के सभी 11 आरोपियों को आज पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ये सभी फिलहाल भागलपुर जेल में बंद हैं। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूजा पंडालों में भी पूजा अर्चना हो रही है। उधर पूजा पंडालों की सजावट और देवी प्रतिमा के निर्माण में भी तेजी आ गई है। पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के बाहर से भी कलाकार बुलाए गए हैं। राजधानी पटना में नगर निगम पंडालों के आसपास पर्याप्त बिजली की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। पूजा के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पेशों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने खगड़िया जिले में अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थाना अध्यक्ष से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, खगड़िया में थाना अध्यक्ष शहीद। दैनिक जागरण का शीर्षक है, खगड़िया नौगछिया दियारा में डकैतों से लोहा लेते थानेदार आशीष शहीद। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रदेश में लागू होगी सतत जीविकोपार्जन योजना। जबकि दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को शीर्षक बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से बेरोजगार हुए लोगों को 1 लाख तक की मदद दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। सेना में भर्ती से पहले होगा वफादारी टेस्ट। नियुक्ति के पूर्व ये परखा जाएगा कि जवान देश की सेवा के लिए आ रहे हैं या महज रोजगार या पैसा कमाने के लिए। खगड़िया और नौगछिया की सीमावर्ती इलाकों पर स्थित दियारा में अपराधियों के खिलाफ चलाया जाएगा सघन अभियान। प्रदेश में शराबबंदी से बेरोजगार हुए लोगों को 60,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता देगी राज्य सरकार। और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में आज बिहार का मुकाबला मुंबई से। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से आम लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित और उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं। सिक्किम को विश्व का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य बनने पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का पुरस्कार। राजस्थान में जीका वायरस के मामलों की संख्या 55 हुई, निगरानी दलों की संख्या बढ़ाई गई। हैदराबाद में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत आज अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 308 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नई तकनीक का उपयोग देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर आम लोगों, किसानों और महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में किया जाए।
श्री वेंकैया नायडू कल इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। श्री नायडू ने शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, सही समय पर प्रामाणिक सूचना, सरकारी सेवाओं और ई प्रशासन पहल तक पहुंचने बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कल आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के आगामी चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। श्री रावत ने कहा कि आयोग ने जाली मतदान की समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के पुख्ता उपाय किए हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत प्रचारित न किया जाए। उन्होंने कहा, आयोग ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में एक समूह का गठन किया है। समूह ने फेसबुक और ट्विटर सहित सभी बड़े सोशल मीडिया समूह के अधिकारियों को बुलाया है। इन सभी लोगों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं जाए। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी शालीन काबरा ने आकाशवाणी को बताया कि तीसरे चरण में राज्य में कुल 16.4% मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में 4 नगर पालिकाओं के लिए 81.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। उधर कश्मीर डिवीजन में औसत 3.5% मतदान हुआ, जबकि उड़ी में सबसे अधिक 75.3% मतदाताओं ने वोट डाले। स्थानीय निकायों के चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को कराया जाएगा। मतगणना 20 अक्टूबर को होगी। तेलंगाना में निर्वाचन आयोग ने दूसरे संक्षिप्त संशोधनों के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। सूची में 17,68,000 मतदाताओं के नाम शामिल होने और 5,87,000 मतदाताओं के नाम हटने के बाद राज्य में मतदाताओं की अब कुल संख्या 2,73,18,603 हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी रजत कुमार ने मीडिया को बताया कि इन संशोधनों के दौरान 35,00,000 से अधिक दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थी और इन सब पर विचार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। वे विभिन्न जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि श्री अमित शाह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होशंगाबाद, सतना, रीवा, डिंडोरी और जबलपुर जिलों में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग कर सकते हैं। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। परिवार नियोजन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए फोन करें टोल फ्री नंबर 1800116555 पर या लॉग ऑन करें hum2.nhp.gov.in पर। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुबारक हो, बुआ बन गई। कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है। कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को? डॉक्टर नहीं जी, अब आप ही समझाइए। बिल्कुल, बच्चे को 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए, ठंड लग सकती है उसे।
और नाल पर तेल घी हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। नाल को साफ सूखा रखिए, वो अपने आप ही सूखकर गिर जाएगा। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर का हो। इसका संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। कुष्ठ रोगी के हाथ, पैर और चेहरे पर आई विकृतियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे लालिन लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम ने विश्व का पहला जैविक कृषि राज्य बनने पर इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का स्वर्ण पदक जीता है। संगठन ने कहा है कि सिक्किम को कृषि पारिस्थितिकी और सतत खाद्य प्रणाली से संबंधित सर्वोत्तम नीतियों के लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने बताया कि सिक्किम की नीतियों से 66,000 से अधिक किसानों को मदद मिली और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर अन्य विकल्पों के उपयोग के लिए सिक्किम को 2016 में पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग कल रोम में ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। राजस्थान में जयपुर में कल 13 और लोगों में जीका वायरस के लक्षण पाए गए। इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 55 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचार के बाद 38 लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है। मच्छरों का लार्वा पनपने वाले स्थानों को ढूंढने और उन्हें नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा जयपुर नगर निगम आज से घर घर सर्वे का बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। 280 से अधिक दल पहले से जीका प्रभावित इलाकों में सर्वे कर रहे हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में फॉगिंग तथा अन्य लार्वा रोधी गतिविधियां चलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अब उन गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जिनकी गर्भावस्था के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कल प्रभावित इलाकों का दौरा किया तथा लोगों से आग्रह किया कि अच्छा रहित वातावरण तैयार करने के लिए वे अपने घर तथा पानी के टैंकों को साफ रखें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सौभाग्य योजना के नाम से विख्यात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ सितंबर 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक देश के सभी ग्रामीण और शहरी निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान कराना है। हमारे मुंबई संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य के 11 जिलों के करीब 1,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण कंपनियां गांवों में शिविर का आयोजन कर गांव के हर घर में बिजली कनेक्शन के लिए पंजीकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सौभाग्य योजना की लाभार्थी अहमदनगर जिले की मंदा शांतिलाल कलपुंथे से हमने इस बारे में बात की। मेरे घर में पहले उजाला नहीं था, पहले हमारे बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करते थे। मेरे बच्चों के लिए अभ्यास करने के लिए अंधेरा था, अपन अब मीटर आ गया। पालगढ़ जिले में रहने वाले अशोक जनाथे का भी मानना है कि सौभाग्य योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। मेरे गांव में बिजली नहीं था तो मैंने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत उधर जाके बोला तो बिजली हमारे गाँव में आ गयी। सौभाग्य योजना गाँव के जवानों को लाइनमैन और अन्य तकनीकी कामों का प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार के विकल्प भी पैदा कर रही है। सोनाली के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में गजपति जिले के रायगढ़ा ब्लॉक के तहत बारगढ़ा गांव में तितली तूफान के बाद भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण 5 बच्चों सहित 11 लोगों की जान गई और 4 अन्य लापता हैं। तूफान प्रभावित जिलों का कल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हवाई सर्वेक्षण किया। मौसम विभाग के महानिदेशक केजी रमेश ने आकाशवाणी को बताया कि ये तूफान पूरी तरह से कमजोर हो गया है। तितली पूरी तरह वीक हो गया है, अब पूर्वोत्तर की ओर जाके डिसिपेट भी हो गया है। अब बारिश तितली से प्रभाव जो है खत्म हो गया है। हैदराबाद में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन भारत पहली पारी में अपने कल के स्कोर 4 विकेट पर 308 रन से आगे खेलेगा। कल खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत 85 और अजिंक्य रहाणे 75 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 311 रन पर आउट हो गई थी।
शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में क्रोएशिया के बोर्ना कोरिच का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। 13वीं वरीयता प्राप्त कोरिच ने सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी? एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल। यार ये एम आधार चलेगा? अरे दौड़ेगा दौड़ेगा, चल 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 फटाफट संभाल के जा। जी पाजी, ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या? वो भी मोबाइल पे? हाँ पाजी मिल जाता है। ओ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी। एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी। महिंद्रा फाइनेंस प्रस्तुत करते हैं वाहन लोन उत्सव। इस त्योहार के अवसर पर पाएं 100% तक फंडिंग, प्रोसेसिंग फीस पर छूट और आकर्षक ब्याज दर। ये ऑफर्स कार लोन, ट्रैक्टर लोन, कमर्शियल वाहन लोन और यूज कार लोन पर उपलब्ध है। अपने वाहन डीलर से महिंद्रा फाइनेंस लोन ऑफर्स के बारे में पूछना ना भूलें या 7045482582 पर मिस कॉल दें। जल्दी कीजिए, ऑफर्स 9 नवंबर 2018 तक वैध। नियम एवं शर्तें लागू। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के मुठभेड़ में मारे जाने को पहली खबर बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, आतंकी जाकिर मूसा का दाहिना हाथ समझे जाने वाला आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया। अमर उजाला ने लिखा है, छुपकर सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, मुठभेड़ स्थल से गोला बारूद बरामद। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर दी है, सैन्य अफसरों के कैडर नवीनीकरण को मंजूरी, बड़ी सुधार योजना पर मुहर, वर्षों पुराने कमांड्स को खत्म कर सेना को सही आकार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नगर निकायों के चुनावों की खबर पर भी अखबारों की नजर है। देशबंधु ने सांबा जिले में 81% से अधिक मतदान को बड़ी सुर्खी बनाया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, मी टू बॉलीवुड के बाद अब खेल जगत की ओर। दैनिक जागरण लिखता है, आज बीसीसीआई तक पहुंची। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मी टू पर हर 2 सेकंड में एक नया ट्वीट, 60 वर्ष पुराने मामले अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में न्यायाधीश की पत्नी और बेटे को बीच बाजार में अपने ही सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली मारने की घटना का जिक्र लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से किया है। देशबंधु ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान तितली के कहर से बने गंभीर हालात को विस्तार से देते हुए लिखा है, राहत अभियान तेज हुए। अखबारों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान कलाकार अन्नपूर्णा देवी के निधन की खबर पहले पन्ने पर दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अलाउद्दीन खान साहब की सबसे छोटी पुत्री अन्नपूर्णा को पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से आम लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित, किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। सिक्किम को विश्व का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य बनने पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान में जीका वायरस के मामलों की संख्या 55 हो गई, निगरानी दलों की संख्या बढ़ाई गई और हैदराबाद में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेटर्स मैच के तीसरे दिन भारत आज अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 308 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।